हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास नाइन्थ के अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी एनसीईआरटी बुक्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जिनसे आप फेल हो सकते हो। तो आपको हम लोग कंप्लीट इस वीडियो के अंदर गाइड देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड ये वीडियो होने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग के अंदर आता है कि आखिरकार क्लास नाइन्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई गेम खेला होगा तो गेम के अंदर लेवल 1 आता है, फिर उसके बाद लेवल 2 आता है, फिर लेवल 3 आता है, फिर लेवल 4 आता है। अगर आपने लेवल 1 के अंदर अच्छा स्कोर करा है तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि लेवल 2 के अंदर भी आप आसानी से उस गेम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेम लेवल 3 के साथ होगा और सेम लेवल 4 के साथ होगा। तो ये जो लेवल 1 है ये होने वाला है आपका क्लास 9th, लेवल 2 होने वाली है क्लास 10th, और लेवल 3 होने वाली है क्लास 11th, और लेवल 4 होने वाली है क्लास 12th। तो क्लास 9th इज द मास्टर प्लान फॉर क्लास 10th। अब मास्टर प्लान कैसे है, क्योंकि क्लास 9th के अंदर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल जाता है क्लास 10th का। तो CBSE ने जो अपना एक प्रॉपर पैटर्न है वो डिज़ाइन ही इस अकॉर्डिंग कराया कि क्लास 9th से आप इंट्रोड्यूस हो जाओ क्लास 10th के लिए। तो आपको क्लास 10th की बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप क्लास 10th के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो क्लास 9th के अंदर। जो बेस है आपका वो क्लास 11th के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। तो जिसकी क्लास 9th अच्छे से नहीं होती वो क्लास 11th के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, साइंस के अंदर तो स्पेशली अगर हम लोग बात करें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं क्लास 9th के अंदर। तो आप पढ़ोगे इंग्लिश, मैथ, साइंस। साइंस के अंदर अब आपकी फिज़िक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी और बायोलॉजी आ जाएगी। तो अभी तक देखो आप जो पढ़ते थे क्लास 8 तक वो कंबाइंड चीज़ें होती थी, लेकिन अब ये प्रॉपर आपको डिस्टिंक्शन दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा, और यही बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। SST की बात करें तो SST के अंदर आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, साथ ही में ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, सिविक्स पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अब आपको पढ़नी पड़ेगी फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड। हिंदी एज इट इज़ है। तो शुरू करते हैं हमारी बुक्स से। तो सबसे पहले आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है और कौन सी गाइड्स लेनी है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर आपको NCERT बुक्स से ही पढ़ लेना है, उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। एक तो मूवमेंट्स है, एक बिहाइव है, और एक ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो NCERT बुक। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता क्लास 9th के अंदर कि इस NCERT को भी परचेज करना है या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे ज़रूर खरीदें, क्योंकि इससे आपका क्लास 10th का बेस बिल्डअप होगा। तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन बुक को मिस ना करें, ज़रूर परचेज करें इस बुक को भी। नेक्स्ट है आपकी मैथ्स की। तो मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स में आपकी एक तो ये नॉर्मल NCERT हो गई, उसके बाद आप ले सकते हो RD शर्मा बुक, क्लास 9th की जो गाइड है। स्पेशली मैं आपको रेफरेंस बुक में सजेस्ट करूंगा कि आप ये RD शर्मा की बुक लें, काफ़ी सही है ये बुक, लेटेस्ट एडिशन के ऊपर बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप ओसवाल की लेना चाहते हैं गाइड तो वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको RD शर्मा। फिर बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th के अंदर जो आपकी ये 4 NCERT बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कौन सी ऐसी NCERT बुक्स है जिन्हें आपको नहीं पढ़ना, ये भी मैं थोड़ी देर में आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। तो यहाँ पर देखिए, सोशल साइंस के अंदर आपको ये चारों बुक तो खरीदनी ही है NCERT। साथ में अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो गोल्डन की काफ़ी अच्छी गाइड है सोशल साइंस की, इसके अंदर आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही में ओसवाल की भी काफ़ी अच्छी है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप परचेज करोगे कोई भी बुक कि वो लेटेस्ट एडिशन की हो, लेटेस्ट एडिशन की होना बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स के लिए। नेक्स्ट है साइंस की। तो साइंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो आपकी NCERT होगी, साथ ही में आप ले सकते हो ये वाली गाइड्स, रेफरेंस बुक्स, ये हैं लखमीर सिंह की बुक्स। इसमें प्रॉपरली तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। कंबाइंड वाली भी ले सकते हो आप, लेकिन इनके अंदर डायग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे बुक, और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा।
अब कौन सी ऐसी बुक्स हैं और कौन सी ऐसी एनसीईआरटी बुक्स हैं जिनसे आपको नहीं पढ़ना। तो देखो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ओल्ड एडिशन की एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ना, स्पेशली जो साइंस की ओल्ड एडिशन बुक है, क्योंकि साइंस की जो ओल्ड एडिशन बुक्स हैं, जो पुरानी वाली बुक्स हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं और जो न्यू एडिशन की बुक्स हैं उनमें बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो वो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे और उनके मार्क्स कट हो गए जस्ट बिकॉज उनके पास एक ओल्ड एडिशन की साइंस की बुक थी। तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप साइंस की तो न्यू एडिशन की बुक ले लो, साथ ही में जब एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी भी आपकी सोशल साइंस की न्यू एडिशन की होनी चाहिए। अच्छा मैथ्स आप चला सकते हो देखो ओल्ड एडिशन की, आप इंग्लिश की दोनों बुक्स ये जो हैं ओल्ड एडिशन की चला सकते हो, अपने किसी बड़े क्लास के सीनियर से, भैया या दीदी से ये बोरो कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन आपको जो चीज़ नहीं करनी, जो चीज़ न्यू बुक लेनी है वो है हमारी SST की और साइंस की, ये आपको बिल्कुल भी ओल्ड एडिशन की बुक से काम नहीं चलाना। अब यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू एडिशन वाली एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये आप कभी बुक शॉप के ऊपर जाते हो तो वो बोल देते हैं आपको पुराना एडिशन देखे कि ये नया एडिशन है, तो आपको उनकी बातों में भी नहीं आना, बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो यहाँ पर मैंने जो न्यू एडिशन की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनका लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अमेज़ॉन से आप परचेज कर सकते हो, एफिलिएट लिंक है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो बुक्स जो कि आपको न्यू एडिशन की मिल जाएंगी। तो ये आपको चीज़ें हैं, ये एनसीईआरटीज हैं जिनसे आपको नहीं पढ़ना, स्पेशली जो ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटीज हैं उनसे। अब स्टडी का जो टाइम टेबल है वो किस तरीके से रहने वाला है, तो आपको 4 आवर्स डेली स्टडी करना है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी की, इसके अंदर आपका स्कूल का टाइम इंक्लूड नहीं होता, ट्यूशन का टाइम इंक्लूड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सीरियसली जो आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, वो वाला टाइम टेबल है। अब इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना होमवर्क भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप इसे सेल्फ स्टडी के लिए दो। सिर्फ 4 घंटे बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर आएगा, सर ये तो बहुत कम टाइम है, तो ये बिल्कुल भी कम टाइम नहीं है। आपको किस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है, सबसे पहले तो आपको मैथ्स को 1.5 आवर ज़रूर देना है। देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 5 दिन आपको मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि क्लास 9th की मैथ्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और ये जो क्लास 9th का आपका बेस है यही आपको क्लास 10th में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो जो मैथ्स है वो कम से कम 1.5 आवर पढ़नी है। फिर साइंस की बात करते हैं, साइंस में आपको 1.5 आवर साइंस को डेली देना है लगभग 6 दिन के लिए एक हफ्ते में, तो 6 दिन आपको 1 वीक के अंदर साइंस को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे डिवीजन करना है आपको, तो फिजिक्स को आपको मंडे देना है, वेडनेसडे देना है और फ्राइडे देना है। और अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको ट्यूसडे और थर्सडे केमिस्ट्री को देना है, सैटरडे या संडे, मतलब या तो आप सैटरडे को कर लो या संडे को कर लो, ये आपको बायोलॉजी को देना है। एक दिन में बायो आप कर सकते हो, आसान है। केमिस्ट्री को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है और फिज़िक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो न्यूमेरिकल्स को लेके, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम गोज़ विद मैथ्स, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ये जो गाइड बताई है आप देख सकते हो, ये जो RD शर्मा गाइड बताई है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको उन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में यहाँ पर जो लखमीर सिंह मैंने बताई है आपको फिज़िक्स बायो और केमिस्ट्री की, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इनकी सिंगल सिंगल बुक बाय करना चाहते हो तो सिंगल भी कर सकते हो, और अगर तीनों करना चाहते हो तो तीनों ही परचेज कर लेना, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। साथ ही में SST को आपको देना है 1 घंटा। अब 1 घंटा जो आप SST को दोगे, ये आप दोगे मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, 4 दिन आपको SST को देने हैं 1 वीक के अंदर। अब कैसे आपको डिवाइड करने हैं, ये आप ऑब्वियस है कि अगर आपको मान लो जो भी डिफिकल्ट लगता है, हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगती है, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लेना टाइम, लेकिन आपको 4 दिन आपको कम से कम SST को देने हैं, 1-1 घंटे 4 दिन आपको SST को पढ़ना है एक हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट है इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि थर्सडे और सैटरडे का डे है तो 1 दिन आप इंग्लिश कर सकते हो थर्सडे को और हिंदी को सैटरडे को कर सकते हो। अब मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि इंग्लिश तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन हिंदी बहुत वीक है, हिंदी को टाइम दे देना थर्सडे और सैटरडे को, और संडे को आप क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो हाफ एन आवर के लिए, 45 मिनट्स के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब संडे की बात करते हैं, संडे सबसे क्रूशल डे होने वाला है। आप बोलोगे कि सर संडे के दिन तो रेस्ट लेने दो,
संडे के दिन आपका एक तरीके से रेस्ट ही है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप संडे को भी 4 घंटे देने वाले हो। जो मैंने आपके ये जो टाइम लिमिट रखी है 4 आवर्स की, ये डेली आपको डेली देना है 4 घंटे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 8 आवर्स स्टडी कर लिया और फिर आपने बाकी के दिन पढ़ाई नहीं करी। 4 घंटे रोज़ दो, कंसिस्टेंटली रोज़ 4 घंटे आप देते रहो, और संडे को आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है जो भी आपने इस वीक पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी स्कोरिंग बनेगी। आपको बार बार रिवाइज़ करना जो भी आपने पढ़ा है इस वीक सब कुछ। साथ ही में मान लो आपकी आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है इस वीक के अंदर, जैसे आप SST को नहीं कर पाए हो कंप्लीट इस हफ्ते, तो आप अपनी जो बैकलॉग है, मतलब जो भी आपकी SST का पेंडिंग वर्क था, वो आज क्लियर करोगे। अगर आपका बैकलॉग क्लियर है तो आप रिविजन करोगे जो भी आपने पढ़ा इस हफ्ते। थोड़ा बहुत इसके अंदर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जो सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल लगता है उसे ज़्यादा टाइम दे देना, जो कम मुश्किल लगता है उसे कम दे देना। लेकिन एक मैंने आपको ये मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। साइंस को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है, SST को कितना देना है, और इंग्लिश और हिंदी को कितना देना है। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड स्कोर 90+ इन ऑल सब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, स्टिक टू शेड्यूल। अब जो हमने शेड्यूल बनाया भाई, इसको आप फॉलो करो। एग्ज़ाम के अंदर फुल मार्क्स लाने का यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई भी और शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं है, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा वन शॉट जिससे आप ये 90+ मार्क्स स्कोर कर सको। सिंपल सी चीज़ है कि आपको शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब ट्राई टू फिनिश सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। अब क्लास 9th के अंदर जो आपको एक चीज़ करनी है वो ये है कि सिलेबस को जितना जल्दी कंप्लीट कर पाओ उतना जल्दी कर लेना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओ। क्लास 9th के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत मुश्किल हैं, और आप नए नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्लास 9th के अंदर स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो और फिर उसको रिवाइज़ करो, रिपीट करो। अच्छा, यही आपको एक स्टोरी की फॉर्म में समझाता हूँ मैं। तो एक आर्चर था जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर था अपने निशानेबाजी के लिए। अब ये आर्चर गांव-गांव के अंदर जाता था, प्रदर्शन करता था, दिखाता था कि देखो मैं कितना अच्छा निशानेबाज हूँ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लोग इसे अप्रिशिएट करते थे, बोलते थे अरे वाह भाई बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छा निशाना लगाते हो, बहुत अच्छा निशाना लगाते हो। अब इसको अपनी तारीफ सुनना भी पसंद था। अचानक से एक दिन जब ये अपना प्रदर्शन कर रहा था, भीड़ में पीछे से आवाज़ आती है, ये सब तो प्रैक्टिस का खेल है, ये सब तो प्रैक्टिस का खेल है। अब आर्चर तब उस बंदे की बात सुन तो लेता है जो भी इसको ये बोल रहा होता है कि ये सब तो प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है ये कौन आदमी है जो मेरा ऐसे मजाक उड़ा रहा है, जो मेरे लिए ऐसे बोल रहा है। तो जब वो अपना पूरा ये फिनिश कर देता है शो, लास्ट में वो देखता है कि वो कौन आदमी था जो पब्लिक में से मुझे बोल रहा था, तो एक ये बुढ़े अंकल होते हैं जो उसे ऐसे चिढ़ा रहे थे, जो ऐसे बोल रहे थे कि ये सब तो प्रैक्टिस का खेल है। आर्चर बुढ़े अंकल से गुस्से में बोलता है कि अंकल जी आपने ऐसा क्यों बोला मेरे लिए। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा ये सब तो प्रैक्टिस का ही खेल है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये तो मैं महान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो अंकल बोलते हैं ठीक है तुझे ऐसा लगता है। तो अंकल अपनी जेब से एक कपड़ा निकालते हैं, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधते हैं और इस आर्चर से इसका बो और एरो लेते हैं। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद निशाना लगाते हैं अंकल, और एग्जैक्टली उनका निशाना सेंटर में लगता है बोर्ड के। तो अब इस स्टोरी से क्या पता चल रहा है, इस स्टोरी से ये पता चल रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे रिपीटेशन इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द की टू स्कोर फुल मार्क्स, टू स्कोर गुड मार्क्स। बार बार आपको सब्जेक्ट्स को रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। नेक्स्ट है कंसेप्ट इज किंग। रट्टाफिकेशन मत करो, रट्टाफिकेशन करोगे तो आपको क्लास 10th के अंदर 11th के अंदर बहुत दिक्कत आने वाली है। ये समझ लो दोबारा क्लास 9th की बुक उठाकर पढ़नी पड़ेगी, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में बनाकर भी आंसर लिख सकते हो। 5th चीज़ आपको क्या करनी है, सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। सैम्पल पेपर्स आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा भी इनके वीडियोस बना दूंगा सैम्पल पेपर्स के, और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसानी से आपको गूगल के ऊपर कहीं पे भी अवेलेबल होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। गाइड्स जो मैंने आपको बताई हैं, देखो ये जो भी आपको मैंने रेफरेंस बुक बताई हैं, इन सब के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सर हम क्लास 9th के अंदर फेल हो सकते हैं। हाँ,
बिल्कुल आप क्लास नाइन्थ के अंदर फेल हो सकते हो। यहाँ तक कि जो आपको क्लास एट के अंदर बच्चे टॉपर दिख रहे हैं या बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वो स्टूडेंट्स सिर्फ पासिंग मार्क्स ही स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि क्लास नाइन्थ वाकई में डिफ़िकल्ट है। और जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भी क्लास एट तक तो बच्चों को पास किया जाता है, बट आफ्टर क्लास एट आप फेल हो सकते हो। नेक्स्ट है, क्या क्लास नाइन्थ डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल क्लास नाइन्थ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली न्यू पैटर्न से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, बिल्कुल ही न्यू वे में आप पढ़ने वाले हो, नई चीज़ें आप समझने वाले हो और नया तरीका अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो ये बिल्कुल नए तरीके से मैंने आपको बताया है, समझाया है कैसे आपको पढ़ना है, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्लास नाइन्थ टेंथ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल। देखो, अगर हम लोग ये बोले कि क्लास नाइन्थ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टेंथ से, तो ये सही होगा, कहीं हद तक ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्लास नाइन्थ के अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ये उन बच्चों के लिए है कि जो क्लास नाइन्थ के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं, एक अपनी हैबिट बना लेते हैं पढ़ने की, एक अपना टाइम टेबल शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनके लिए क्लास टेंथ लगभग 50% तक ईजियर हो जाती है। आपको क्लास टेंथ 50% ईजी लगने लग जाती है अगर आप क्लास नाइन्थ के अंदर अपना हैबिट बना लेते हो, अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हो। ये वही वाली चीज़ है जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हम गेम के अंदर करते हैं क्लियर। लेवल 1 के अंदर अगर आपने थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करा है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं, गेम के रूल्स अच्छे से आप जान गए हो, प्रॉपर आपको तरीका आ गया है गेम के अंदर खेलने का, तो लेवल 2 आपको थोड़ा सा आसान ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है। तो सेम वही चीज़ है। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास नाइन्थ, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें फॉलो करो, और जितनी भी बुक्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं इनके लेटेस्ट एडिशन के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, वहाँ से इन बुक्स को आप परचेज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो और अपना अच्छे से क्लास नाइन्थ के अंदर पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर आपको क्लास नाइन्थ के बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप पढ़कर इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।